हेलो बच्चों, सोनालिका ई गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे 3D ट्रैक्टर को कैसे बना सकते हैं। एक 3D ट्रैक्टर बनाने के लिए हमें चाहिए होगा, हमने यहाँ पे एक 2D ट्रैक्टर पहले से ही बना के रखा है। पहले हम इस ट्रैक्टर को कलर कर लेते हैं। पहले हम इसे एक बेस कलर देंगे। हम लेंगे डीप ब्लू कलर और जहाँ जहाँ डीप ब्लू है वहाँ वहाँ कलर कर देंगे। आप देखिए कि मैं कलर करते टाइम इसे प्रेशर कम दे रही हूँ। अब हम लेंगे लाइट ब्लू कलर और हल्के से शेड करते रहेंगे। अब हमें थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज करना होगा और साथ ही साथ हम इसको ब्लेंड भी करते चलेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे अच्छे से डीप और लाइट शेड ब्लेंड हो गया है। ऐसे ही हम बाकी सारी जगह भी कर देते हैं। तो हमारा ब्लू का पोर्शन तो कंप्लीट हो गया। अब बारी है ब्लैक और व्हाइट कलर को स्टार्ट करने की। जैसे हमने ब्लू को अप्लाई किया है वैसे ही हम ब्लैक को भी अप्लाई करेंगे। अच्छा हाँ, क्या आपको पता है दुनिया भर में 16 मिलियन से अधिक ट्रैक्टर हैं, जिसका मतलब ये है कि कृषि उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले कुल ऊर्जा का 1/3 ट्रैक्टर द्वारा उपयोग किया जाता है। अब हम इसमें डीप लेयर ऐड करेंगे। इन टायर के ग्रूव्स को भी हम करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इसे छोड़ देते हैं। उन्हें हम बाद में पेंसिल से शेड कर देंगे। अब जहाँ जहाँ हमसे शेडिंग लाइट हुई है वहाँ वहाँ हम इसे व्हाइट कलर करेंगे। जहाँ जहाँ हम लाइट का इफेक्ट देना चाहते हैं, वहाँ वहाँ हम व्हाइट से शेडिंग कर देंगे। देख सकते हो ये फ्रंट का पोर्शन पूरा शेड हो गया है। अब बारी है इस ट्रैक्टर के बैक साइड को भी शेड करने की। अब हम इन जगहों पर भी ब्लैक कलर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई लाइट का इफेक्ट नहीं है, हम इन्हें डायरेक्टली ब्लैक कलर से कलर कर देते हैं। अभी हम इन जगहों को थोड़ा सा ऑरेंज कलर करेंगे। अब हम यूज करेंगे एक 6B पेंसिल और बाकी बची हुई जगहों पर डीप शेड करेंगे। फिर उंगलियों से उन्हें थोड़ा थोड़ा स्प्रेड कर देंगे। इस सर्कुलर मोशन में जैसे मैं कर रही हूँ ना, ऐसे ही इसे स्प्रेड करते रहेंगे। आगे बनाई हुई लाइन मिट जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसे बाद में बना लेंगे। जहाँ जहाँ थोड़ा सफेद एरिया चाहिए वहाँ वहाँ इरेजर से थोड़ा थोड़ा साफ कर देंगे।
अब इस ट्रैक्टर का बेसिक कलर तो रेडी हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाइलाइट्स और डिटेल्स। डिटेल्स के लिए हम थोड़ा लेते हैं व्हाइट पेंट और एक पतला वाला ब्रश यूज करके हम इसे एक चमक देंगे। आप देख सकते हैं कि इस तस्वीर में एक चमक आ चुकी है। अब हम लेते हैं एक 6B पेंसिल और इस ट्रैक्टर को देते हैं थोड़ी सी शैडो। शैडो यानी कि करेक्ट परछाई। इससे हमें ट्रैक्टर के लिए एक हाइट मिल जाएगी और जो हमारा 2D ट्रैक्टर था ना, वो लगने लगेगा 3D। अगर पेंसिल की लाइन नहीं मिटती है तो आप थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा सकते हो या फिर आप पेंसिल से थोड़ा सा और शेड कर सकते हो, फिर अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो। तो लीजिए, हमारा 3D ट्रैक्टर तो कंप्लीट हो गया। बच्चों, हम आपके लिए ऐसे ही कई मजेदार वीडियोस लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो।